हमीरपुर में आज दो बसें आमने सामने भिड़ी हैं, जिससे दोनों बसों में आग लग गई है, तो वहीं इस हादसे में 3 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनको आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बसों में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई थी, जिसने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन पहले से खटारा हो चुकी बसें अब लोहे के डिब्बे में तब्दील हो गई है। परिवहन निगम की दोनों बसों के बीच यह हादसा हमीरपुर सदर कोतवाली इलाके के चंदौली तीर गांव के पास हुआ है। यहां राट और हमीरपुर डिपो की दो बसें आमने सामने टकराई हैं। हादसा होते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई, तो वहीं स्थानीय लोगों सहित राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सदर अस्पताल भिजवाया है। ड्राइवर कमर अहमद के अनुसार यह हादसा हमीरपुर डिपो की बस से हुआ है। सामने से एकदम गाड़ी मार दी उसने, ये घटना हुई। आप कौन से डिपो गाड़ी चला रहे थे? राट डिपो। लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे? पता नहीं साहब कितने को लोग घायल हैं, हमने देखा भी नहीं। ओवरटेक करने में घटना घटी क्या? नहीं नहीं, ओवरटेक नहीं, सामने सामने मार दी उसने। कौन डिपो थी जो सामने टक्कर मारी? हमीरपुर डिपो। हादसे में घायल यात्री संजीव कुमार के अनुसार घायलों की संख्या 50 के आसपास होनी चाहिए, जबकि हमीरपुर सीएमओ एके रावत के अनुसार अभी तक जिला अस्पताल में 26 घायलों को लाया जा चुका है, जिसमें 15 घायलों के लिए एक्सरे की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 3 घायलों की हालत गंभीर है। दो बसों के आपस में भिड़ंत से हुआ है, कलोनी तीर में हुआ है, जिसमें अभी तक जो हमारे पास पेशेंट यहाँ अस्पताल में आए 26 पेशेंट आ गए हैं, जिसमें से 3 की जो है थोड़ा गंभीर स्थिति में है, उनको समझौता रेफर किया जाएगा, बाकी 15 लोगों के एक्सरे के लिए लिखा गया है, एक्सरे उनका होकर क्या है उसकी स्थिति चलेगी और बराबर इलाज सभी मरीजों का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।